तो मेरा आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है उसके पीछे पहला मेरी जो प्रायोरिटी है, मेरे देश के टैलेंट को अवसर मिले, मेरे देश के युवा को रोजगार मिले, मेरे देश का धन बाहर न जाए, मेरे देश में नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका वैल्यू एडिशन हो, मेरे देश के अंदर किसान जो काम करता है उसकी जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू एडिशन हो, वो ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करे। स्कीम्स जो हैं उसको सैचुरेशन पर बल दिया कि भाई 100% जो स्कीम जिनके लिए हैं उन बेनिफिशरी को 100%। जब 100% है तो लोगों को पता है मुझे मिलने ही वाला है, तो करप्शन के लिए कोई जगह ढूंढेगा नहीं। करप्शन करने वाले भी कर नहीं सकते क्योंकि वो कैसे कैसे कहेंगे। हाँ, हो सकता है किसी को जनवरी मिलने वाला मार्च में मिले, अप्रैल में मिले, हो सकता है, लेकिन उसको पता है कि मिलेगा। भ्रष्टाचार के लिए आवाज़ भी बहुत उठती है। जब मैं 2013-14 में चुनाव के समय भाषण करता था और मैं भ्रष्टाचार की बातें बताता था तो लोग अपना रोष व्यक्त करते थे, लोग चाहते थे हाँ कुछ होना चाहिए। अब हमने आकर के सिस्टमेटिकली उन चीज़ों को करने पर बल दिया कि सिस्टम में ऐसे कौन से दोष हैं। अगर देश पॉलिसी ड्रिवन है, ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें अवेलेबल है, ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते हो, ये आपकी लिमिट है, इस लिमिट के बाहर जाना है तो आप नहीं कर सकते तो कोई और करेगा। मैंने उस पर बल दिया, ये बात सही है कि, लेकिन ग्रे एरिया मिनिमल हो जाता है जब ब्लैक एंड वाइट में पॉलिसी होती है और उसके कारण डिस्क्रिमिनेशन के लिए कोई संभावना नहीं होती है। तो हमने एक तो पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस पर बल दिया, दूसरा हमने स्कीम्स जो हैं उसको सैचुरेशन पर बल दिया कि भाई 100% जो स्कीम जिनके लिए हैं उन बेनिफिशियरी को 100%। जब 100% है तो लोगों को पता है मुझे मिलने ही वाला है, तो करप्शन के लिए कोई जगह ढूंढेगा नहीं। करप्शन करने वाले भी कर नहीं सकते क्योंकि वो कैसे कैसे कहेंगे। हाँ, हो सकता है किसी को जनवरी मिलने वाला मार्च में मिले, अप्रैल में मिले, हो सकता है, लेकिन उसको पता है कि मिलेगा। और मेरे हिसाब से सैचुरेशन करप्शन फ्री गवर्नेंस की गारंटी देता है, सैचुरेशन सोशल जस्टिस की गारंटी देता है, सैचुरेशन सेकुलरिज्म की गारंटी देता है। ऐसे त्रिविध बेनिफिट वाली हमारी दूसरी स्कीम। तीसरा मेरा प्रयास रहा कि मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, टेक्नोलॉजी पर भी, क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, ट्रांसपेरेंसी रहती है। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में का अब 38 लाख करोड़ रुपीज करीब ट्रांसफ़र किए हमने। अगर राजीव गांधी के ज़माने की बात करें कि 1 रुपया जाता है 15 पैसा पहुंचता है, तो 38 लाख करोड़ तो हो सकता है 25-30 लाख करोड़ रुपया ऐसे ही गबन हो जाते। तो हमने टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया है। जहां तक करप्शन का सवाल है, देश में पहले क्या आवाज़ उठती थी कि करप्शन तो हुआ लेकिन उन्होंने किसी छठे आदमी को स्लीपर चढ़ा दिया। सामान्य रूप से मीडिया में भी चर्चा होती थी कि बड़े बड़े मगरमच्छ तो छूट जाते हैं, छोटे छोटे लोगों को आप पकड़ करके चीज़ें निपटा देते हो। फिर एक काले खंड ऐसा आया कि हमें पूछा जाता था 19 के पहले कि आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्यों कदम नहीं उठाते हो, क्यों अरेस्ट नहीं करते हो, क्यों लोगों को ये नहीं करते। हम कहते भाई हमारा काम नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एजेंसी कर रही है और हम बद इरादे से कुछ नहीं करेंगे, जो भी होगा हमारी सूचना यही है, जीरो टॉलरेंस, दूसरा तथ्यों के आधार पर ही एक्शन होना चाहिए, परसेप्शन के आधार पर नहीं होना चाहिए। तथ्य जुटाने में मेहनत करनी पड़ती है, अब अफसरों ने मेहनत भी की, अब मगरमच्छ पकड़े जाने लगे हैं तो हमें सवाल पूछा जा रहा है कि मगरमच्छों को क्यों पकड़ते हो। ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा गैंग है, खानमार्केट गैंग,
जो कुछ लोगों को बचाने के लिए इस प्रकार के नैरेटिव घड़ती हैं। पहले आप ही कहते थे छोटों को पकड़ दो बड़े छूट जाते हैं, जब सिस्टम ईमानदारी से काम करने लगी बड़े लोग पकड़े जाने लगे तो अब आप चिल्लाने लगे हो। दूसरा, पकड़ने का काम एक इंडिपेंडेंट एजेंसी कानून करती है, उसको जेल में रखना कि बाहर रखना, उसके प्रति केस ठीक है कि नहीं है ये न्यायालय तय करता है, उसमें मोदी का कोई रोल नहीं है, इलेक्टेड बॉडी का कोई रोल नहीं है। लेकिन आजकल मैं हैरान हूँ, दूसरा जो देश के लिए चिंता का विषय है वो भ्रष्ट लोगों का महिमा मंडन है। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे, आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पर बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। तीसरा प्रॉब्लम है, जो लोग कल तक जिन बातों की वकालत करते थे आज अगर वही चीज़ें हो रही हैं तो उसका विरोध कर रहे हैं। पहले तो वही लोग कहते थे सोनिया जी को जेल में बंद कर दो, फलाने को जेल में बंद कर दो, और आप वही लोग चिल्लाते हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ आप जैसे मीडिया का काम है कि लोगों से पूछे कि भाई बताइए छोटे लोग जेल में जाने के या मगरमच्छ जलने चाहिए, पूछो ना जरा पब्लिक को क्या ओपिनियन है, ओपिनियन बनाइए आप लोग। प्रधानमंत्री जी, नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सबने गरीबी हटाने की बात तो की, लेकिन जब आप आए तो आपने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया, इसको लेकर कैसे रणनीति तैयार करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो या फिर पीएम विश्वकर्मा योजना हो, मतलब नीचे से ग्रासरूट लेवल से आपने योजना की। देखिए, हमारे देश में जो नैरेटिव गढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने देश का इतना नुकसान किया। पहले चीज़ें बाहर से आती थी तो कहते देखिए देश को बेच रहे हैं, सब बाहर से लाते हैं। आज जब देश में बन रहा है तो ये लोग कहते हैं देखिए ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और आप लोग अपने देश की बातें करते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि देश को इस प्रकार से गुमराह करने वाले इन एलिमेंट्स से देश को कैसे बचाया जाए। दूसरी बात है, अगर अमेरिका में कोई कहता है बी अमेरिकन बाय अमेरिकन, उसको तो हम सीना तान करके गर्व करते हैं, लेकिन मोदी कहता है वोकल फॉर लोकल तो लोगों को लगता है देखिए ये ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है। तो इस प्रकार से लोगों को गुमराह करने वाली की प्रवृत्ति चलती है। जहाँ तक भारत जैसा देश जिसके पास मैन पावर है, स्किल मैन पावर है, अब मैं ऐसी तो गलती नहीं कर सकता कि मैं गेहूँ एक्सपोर्ट करूँ और ब्रेड इम्पोर्ट करूँ। मैं तो चाहूँगा मेरे देश में ही गेहूँ का आटा निकले, मेरे देश में ही गेहूँ का ब्रेड बने, मेरे देश के लोगों को रोज़गार मिले। तो मेरा आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है उसके पीछे पहला मेरा मेरी जो प्रायोरिटी है, मेरे देश के टैलेंट को अवसर मिले, मेरे देश के युवा को रोज़गार मिले, मेरे देश का धन बाहर न जाए, मेरे देश में नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका वैल्यू एडिशन हो, मेरे देश के अंदर किसान जो काम करता है उसकी जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू एडिशन हो, वो ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करें। और इसलिए मैंने विदेश विभाग को भी कहा है कि भी आपकी सफलता को मैं 3 आधारों से देखूंगा। एक, भारत से कितना सामान आप जिस देश में हैं वहाँ पर खरीदा जाता है। दूसरा, उस देश में बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है जो अभी तक भारत में नहीं है, वो टेक्नोलॉजी भारत में कैसे आ सकती है। और तीसरा, उस देश में से कितने टूरिस्ट भारत भेजते हो आप, ये मेरा क्राइटेरिया रहेगा। तो मैं हर चीज़ में सेंटर में मेरा नेशन, सेंटर में मेरा भारत और नेशन फर्स्ट, इस मिजाज से ही हम काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी।